तो भैया ट्वेल्थ के एग्जाम्स कई लोगों के हो चुके हैं और कई लोगों के होने वाले हैं, और मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि भाई इलेवन ट्वेल्थ में अगर आपको थियोरी पसंद है आती है, आपको समझ में आ गया कि भाई कुछ ना कुछ हमको लॉ में कंप्लाइंसेस की फील्ड में हमको अपना नाम बनाना है, थियोरी अच्छी लगती है, लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है, सुनते हैं कि भाई सेबी ने इसके खिलाफ कार्यवाही की है, इसके खिलाफ एक्शन लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको पनिश किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको पनिश किया, भाई आपने तो 11 12 में ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, बट आपको सुन के अच्छा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें होती कैसे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किसी कंपनी के विलय को मर्जर को मंजूरी दे दी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको उत्साहित करती है ना, आपको अच्छा लगता है ना सुन के, तो भाई साहब कभी ये भी सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के शेयर का प्राइस इतना बढ़ गया, इस बंदे ने इतना पैसा छाप लिया स्टॉक मार्केट से, सेबी ने उस कंपनी को डीलिस्ट करवा दिया, ऐसी न्यूज़ सुन के आपको कुछ कुछ होता है, तो भाई साहब आप बने हैं सीएस का कोर्स करने के लिए, यस, तो आपको सीएस का कोर्स करना चाहिए अगर आपको थियोरी अच्छी लगती है, और प्लीज़ कभी सीएस का कोर्स इसलिए मत करना कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, बट देखिए हमेशा चीज़ें अच्छी, अगर आपको अपने करियर की शुरुआत करनी है तो स्टार्ट इट विद अ पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव नोट ये है कि मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए मैं इस कोर्स में नहीं जाना चाहता, पॉजिटिव नोट ये है कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे कंप्लाइंसेज अच्छे लगते हैं, मुझे गवर्नेंस अच्छी लगती है, एक इंडिया में लगभग 10-11 लाख कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज चलती कैसे, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लाइंस क्या क्या एप्लीकेबल थे, कौन से लॉ हैं जो इन कंपनीज को नियंत्रित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, एक कंपनी शुरू करनी है तो कौन कौन से अप्रूवल लेने होते हैं, कोई व्यापार शुरू करना है फर्म कैसे बनती है, छोटी से छोटी चीज़ HUF क्या है, वहाँ से लेके कंपनी क्या है, मर्जर क्या होते हैं, डी मर्जर्स क्या होते हैं, सेबी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको काफ़ी लुभावनी लगती हैं तो भाई साहब आप CS कोर्स करने के लिए बने हैं, और CS कोर्स का पहला एग्ज़ाम 9 मई को होने वाला है, और 12th का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने जो अभी देने वाले हैं और 24 मार्च को जिनका ख़त्म होने वाला है, उन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ 1000 रुपीज़ दे के आप ICSI के साथ अपने CSEET का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इतना प्यारा कोर्स है, 3 साल में आपका ये कोर्स ख़त्म हो सकता है, बहुत सस्ता कोर्स है, 1000 रुपये से शुरू होता है, कोचिंग क्लासेज वगैरह भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाती हैं, कोई रिजर्वेशन का लफड़ा नहीं है, तो बच्चों प्लीज़ आप ये कोर्स पढ़ना शुरू कीजिए, और यस आप CSEET रजिस्टर करवाइए, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारी कोचिंग क्लास में हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 4x8371371, 4x8371371 पे फ़ोन करके आपको कोई भी डिटेल चाहिए, CSEET रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ फ़ोन कीजिए, वी वुड बी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हेल्प यू बच्चों, प्लीज़ रजिस्टर फॉर CS, इट्स अ गुड कोर्स एंड रादर इट्स अ ग्रेट कोर्स, इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन कंप्लाइंसेज इन थियोरी, आपको लॉ पढ़ना अच्छा लगता है, कंप्लाइंसेज अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली प्लीज़ स्टार्ट द कोर्स बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।